16 फरवरी 2022 को पहली बार भारत के युवा लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू का मौका मिला। उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले T20 मैच में टीम इंडिया में शामिल किया गया और लीड स्पिनर यूजी चहल के हाथों युवा गेंदबाज को इंडियन टीम की कैप दी गई, जिसके बाद बिश्नोई ने अपने पहले ही मैच में खुद को साबित कर दिया और अपने पहले ही मैच में जोधपुर का युवा स्टार जीत का सबसे बड़ा हीरो साबित हुआ। एक समय था जब रवि कभी अपने गांव के खेतों में ही क्रिकेट की पिच तैयार किया करते थे और वहां प्रैक्टिस करके अपने स्किल्स को निखारने का काम करते थे, लेकिन इतने सालों में ये युवा गेंदबाज शोहरत की बुलंदियों को छू गया है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कैसी रही बिश्नोई की अब तक की जर्नी। रवि बिश्नोई का जन्म राजस्थान के जोधपुर में हुआ था। उनके घर के पास क्रिकेट से जुड़ी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे में रवि और उनके कई साथी खिलाड़ियों ने मिलकर अपने क्षेत्र में खुद ही क्रिकेट एकेडमी बना दी। उन्होंने खेत में ही क्रिकेट पिच बनाई। उनके कोच ने इसमें सभी खिलाड़ियों का साथ दिया। इस एकेडमी में खिलाड़ी ही सभी काम किया करते थे, पिच तैयार करने से लेकर मैदान को खेलने लायक बनाना और बाकी सभी जरूरी काम खुद खिलाड़ी ही करते थे। हालांकि शुरुआत में रवि को ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन वो निराश नहीं हुए। बाद में उन्हें राजस्थान की अंडर 19 टीम में जगह मिली और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2018 में वे राजस्थान रॉयल्स की टीम के नेट गेंदबाज बने और भारत की अंडर 19 टीम में भी जगह बनाई। इस टूर्नामेंट में उन्होंने अपनी गुगली से सभी को खासा प्रभावित किया। अंडर 19 विश्व कप 2020 में बिश्नोई ने शानदार प्रदर्शन किया था। वो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। फाइनल मैच में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी, जिसके बाद आईपीएल में भी रवि को पंजाब किंग्स से खेलने का मौका मिला, जहां उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया था। आईपीएल में रवि बिश्नोई का प्रदर्शन काफी शानदार रहा है। उन्होंने पंजाब किंग्स की टीम के लिए 23 मैचों में 24 विकेट झटके हैं। एक मैच में इस युवा लेग स्पिनर ने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 24 रन देकर 3 विकेट चटकाए थे। बिश्नोई की सबसे खास बात यही है कि वो बहुत ही कंजूसी के साथ गेंदबाजी करते हैं। इससे बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ जाता है और कभी कभार रवि के एंड से बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के कारण दूसरे एंड से गेंदबाजी करने वाले गेंदबाज को विकेट मिल जाया करता है। और आईपीएल में कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहने का ही नतीजा है कि रवि जैसे युवा टैलेंट को पहले आईपीएल में एक नई टीम लखनऊ मेगा ऑक्शन से पहले ड्राफ्ट करके अपनी टीम में शामिल कर लेती है और फिर उन्हें भारतीय टीम में भी सेलेक्ट कर लिया जाता है, जिसके बाद अपने डेब्यू पर ही ये युवा गेंदबाज अपने प्रदर्शन से धमाल मचाता है। 16 फरवरी 2022 को 21 साल के रवि बिश्नोई भारतीय टीम में पहली बार इंटरनेशनल डेब्यू करते हैं और वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने दूसरे ही ओवर में 2 विकेट लेकर विरोधी टीम की कमर तोड़ के रख देते हैं। दोनों ही विकेट बिश्नोई गुगली गेंदों में ही हासिल करने में सफल रहते हैं और एक बार फिर पूरी दुनिया रवि बिश्नोई के स्किल्स को झुककर सलाम करने पर मजबूर हो जाती है। वैसे दोस्तों, आपको रवि बिश्नोई का जोधपुर से भारतीय टीम तक का सफर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल क्रिकेट इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।